हेलो फ्रेंड्स, जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो हमें वहाँ के मलाई कोफ्ते खाना बहुत पसंद आता है। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे कि आप घर पर एकदम सॉफ्ट रेस्टोरेंट स्टाइल में मलाई कोफ्ता कैसे बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले कोफ्ते बना लेते हैं। तो यहाँ पर कोफ्ता बनाने के लिए मैंने दो जो है मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिन्हें उबाल कर आप सबसे पहले बहुत अच्छे से ठंडा कर लीजिए, ताकि आलू में बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए वो, नहीं तो जितना गीले होंगे ना उतना ही हमें मैदा ऐड करना होगा और फिर क्या होगा कि मैदे का ही टेस्ट आएगा। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 100 ग्राम के करीब पनीर। यहाँ पे पनीर को मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया है, आप मैश कर ले या फिर ग्रेट कर ले इसे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सबसे पहले अदरक बारीक कटा हुआ एक चम्मच यहाँ डाला है मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसके साथ में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर लगभग 1/4 चम्मच, और 1/4 चम्मच हम यहाँ पर डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। स्वाद के अनुसार हम यहाँ पर ऐड कर देंगे नमक। अगर आप चाहें तो काले मिर्च पाउडर की जगह लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब इसको बाइंड करने के लिए हमें कुछ डालना होगा, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डाल रही हूँ सिर्फ 2 चम्मच मैदा, आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही मैदा ऐड करेंगे। जैसे मैंने अभी 2 चम्मच मैदा डाला है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बाइंड करने में थोड़ा मैदे की और ज़रूरत है तो आप और डाल सकते हैं, मतलब जितनी ज़रूरत हो उतना ही आप डालें। नहीं तो क्या होगा कि ज़्यादा मैदा डलेगा और उसका स्वाद जो है कोफ्ते का बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, सिर्फ मैदा ही मैदे का टेस्ट आएगा। इसलिए आपके आलू और पनीर में जितनी कम नमी होगी उतना बढ़िया ये कोफ्ता बनेगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे बाइंड कर लिया है, मिक्स कर लिया है, और अब हम इसके बनाएंगे कोफ्ते। तो जिस साइज़ के और जिस शेप के आप कोफ्ते बनाना चाहते हैं, ओवल शेप के या राउंड शेप के, वैसे आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड शेप के कोफ्ते बना रही हूँ। आप यहाँ पर चाहे तो कोफ्तों में काजू या बादाम की फिलिंग भी डाल सकते हैं, तो ये और ज़्यादा रिच लगेंगे। और इस तरीके से गोल गोल करके हम कोफ्तों को बनाकर साइड में रखते जाएंगे। ध्यान रहे कोफ्ते बिल्कुल क्रैक फ्री होने चाहिए, बिल्कुल क्रैक नहीं होना चाहिए उसमें, वरना क्या होगा कि जब हम इनसे पैन में फ्राई करेंगे ऑयल में तो ये बिखर सकते हैं। इस तरीके से आप बना बना कर सारे कोफ्ते रख लीजिए। देखिए मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अब ऑयल गर्म कीजिए और एक एक करके कोफ्ता इसमें डाल दीजिए। जितना भी कोफ्ते आपके एक बार में पैन में आ रहे हैं आप उसको डाल दीजिए। यहाँ पर जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम टू हाई रखिए आप, और इसे हल्का हल्का हिलाते हुए आसपास से इसे आपको टर्न करना है, इसे टच नहीं करना है। और देखिए इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक आपको पूरे कोफ्ते तल लेने हैं और ऑयल में से निकाल लीजिए। दूसरे भी हम इसी तरीके से निकाल लेते हैं बाहर। कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच बटर, आप इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए मेल्ट हो गया है और इसमें मैंने कुछ स्पाइसेस डाले हैं, जैसे 1/4 चम्मच जीरा, 4 से 5 काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 2 तेज़पत्ते, 1 इंच जो है दालचीनी का टुकड़ा डाला है। इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे और उसके बाद में मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है, और इसे हमें यहाँ पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया है 4 से 5 कली लहसुन की, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड ही करना है, इसलिए मैं यहाँ पर सारी चीज़ें पूरी पूरी डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी डाला है, साथ ही डाला है 1 टमाटर मैंने कट करके डाल दिया है, और इसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे 8 से 10 काजू। इससे क्या होगा कि जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी सी रिच बनेगी, गाढ़ी बनेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट में जैसी बनती है वैसी ही ग्रेवी हमारी बनकर तैयार होगी। तो इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे, थोड़ा सा डाल देते हैं नमक, इससे क्या होगा कि टमाटर जो है वो बहुत जल्दी गल जाएंगे और तैयार हो जाएगी ग्रेवी। थोड़ा सा डाल दीजिए पानी, क्योंकि टमाटर और प्याज को हमें यहाँ पर थोड़ा गलाना है, सॉफ्ट करना है, और यहाँ पर ढककर हम इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए ये पक चुका है और इसमें मैंने डाले हैं 2 हरी मिर्च,
और इसे भी हम पकाएंगे थोड़ी देर, और 1 से 2 मिनट पका लेते हैं इसे भी। और ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं हरी मिर्च, प्याज और टमाटर। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा जब ये हो जाएगा उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब आप फिर से पैन लीजिए और उसमें ऐड कीजिए बटर। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच बटर ऐड किया है और आधी चम्मच डाली है इसमें लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही डाला है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इससे क्या होगा कि ग्रेवी में बहुत बढ़िया कलर आएगा। और 1 चम्मच के करीब डाला है मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर। इन सारे मसालों को हम थोड़ी देर बटर में भूनेंगे, और बटर की जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं। और इसमें ऐड कर देंगे हम यहाँ पर जो मसाला ग्राइंड करके रखा था हमने, वो ऐड कर दिया है। इसे आप स्मूथ अगर आप ग्रेवी चाहते हैं तो इसे एक बार छान जरूर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी टमाटर के टुकड़े रह गए हैं या प्याज के टुकड़े रह गए हैं वो अलग हो जाएगा, और हमें एकदम स्मूथ और चिकनी ग्रेवी हमें मिलेगी। अब यहाँ पर इस मसाले को हम 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाएंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया मसाला बनकर तैयार हो चुका है। और इसमें अब हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर। 1 से 2 मिनट तक हम इसे और भुनेंगे ताकि मसाला जो है गरम मसाला बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और देखिए गरम मसाले की बहुत अच्छी खुशबू और इसका टेस्ट आता है। इसके साथ ही हम बिल्कुल थोड़ी सी 1/4 चम्मच के करीब इसमें चीनी ऐड कर दी है मैंने, क्योंकि क्या है इसे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। उसके साथ ही हम डाल देंगे 1 चम्मच फेटी हुई क्रीम यानी कि मलाई। ये घर की ही मलाई है जो हमारे दूध के ऊपर आती है। आप चाहे तो मार्केट वाली क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी क्रीमी हमारी जो ग्रेवी हो चुकी है और बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। अब इसमें मैंने डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक। ध्यान रहे नमक हमने पहले भी डाला है तो उस हिसाब से ही आप डालें, इसे मिक्स कर दें। और ये हमारी जो ग्रेवी है लगभग बनकर बिल्कुल रेडी है। और एक बढ़िया सी खुशबू और टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसे मैंने थोड़ा सा भून लिया था और क्रश करके इसे ऐड करना है। इसे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और खुशबू तो पूछिए ही मत। तो लीजिए हमारी ग्रेवी भी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं कोफ्तों को। तो इस तरीके से कोफ्तों को आप रख लीजिए और उसके ऊपर हम ग्रेवी डालेंगे। कभी भी इसे ग्रेवी के अंदर हमें नहीं डालना है, बल्कि इसे इस तरीके से रख लीजिए और ग्रेवी डालिए इसके ऊपर। इससे क्या होगा ना कि ये टूटेंगे नहीं और बहुत बढ़िया बनेंगे कोफ्ते, बिल्कुल पूरे पूरे आपको दिखाई देंगे। तो ये देखिए मैंने सारी ग्रेवी डाल दी, और इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे हम फेटी हुई क्रीम। मलाई जो होती है उसे फेट लीजिए और इस तरीके से इसे डेकोरेट करने के लिए डाल दीजिए, बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो लीजिए हमारे गर्मा गर्म मलाई कोफ्ते बनकर बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इसकी ग्रेवी बहुत बढ़िया होती है और कोफ्ते अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इसे गर्मा गर्म नान या पराठे के साथ आप सर्व कीजिए। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।